Hello friends, welcome to our next video that is on conductometry. What is conductometry? Conductometry का मतलब है कि आपको किसी electrolyte का conductance पता करना है through the device which is called conductometer. अब ये electrolyte weak है या strong है आपको पता चलेगा कब? जब आप देखेंगे उसका कंडक्टेंस. वो अगर कंडक्टेंस ज्यादा दे रहा है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टेंस कम दे रहा है इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो कंडक्टोमीटर के थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं. ये मेन कंटेंट है कंडक्टोमीट्री का. तो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये बोल सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस और मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ कंडक्टोमीटर. मींस मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमीटर. जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टोमेट्री करने के लिए हमको टाइट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसमें आप टाइट्रेशन करके कंडक्टोमेट्री कर सकते हो. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, किन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जिन पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी? पहला फैक्टर है वो है आयन्स पर, टाइप्स ऑफ आयन. टाइप्स ऑफ आयन्स का मतलब कि वो कैटायन, एनायन, सिंगली या डबली चार्ज कैसे आयन्स है इस पर डिपेंड करेगा कंडक्टेंस. दूसरा क्या है? दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स का मतलब कि भाई अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट और अगर कंसंट्रेशन लो है तब कंडक्टेंस ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन हायर है तो कंडक्टेंस कम होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा. तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, टेम्परेचर. ज्यादातर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के टर्म्स में देखेंगे टेम्परेचर. वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस बढ़ जाएगा, यानी जो डिसोसिएशन है वो बढ़ जाएगा और डिसोसिएशन जब बढ़ जाएगा तो आराम से कंडक्टेंस होगा, ज्यादा कंडक्टेंस होगा. और चौथा और लास्ट फैक्टर है मोबिलिटी ऑफ आयन्स, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टेंस के लिए आयन्स की मोबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो ये जो फैक्टर्स है जिस पर कि कंडक्टेंस डिपेंड करता है. अब आइए बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल की. प्रिंसिपल तो इसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? सो प्रिंसिपल क्या बोलता है इसका कि द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सिमिलर टू मेटेलिक कंडक्टर. जैसा कि मेटेलिक कंडक्टर में होता है जो कंडक्टेंस होती है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आगे प्रोसीव करती है, प्रोग्रेस करती है. सेम लाइक दैट यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ही, यानी हम सारा काम क्या किस पर बेस्ड कर रहे हैं? हम सारा काम इलेक्ट्रोलाइट पर बेस्ड कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइट इज आवर मेन इंग्रेडिएंट हियर. और ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है? ये सब ओम्स लॉ पे डिपेंड कर रहा है. ओम्स लॉ क्या है? ये रेजिस्टेंस के लिए एक लॉ ओम्स ने दिया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट और वोल्टेज, यानी अगर आप करंट की बात कर रहे हो तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो ये ओम्स लॉ पे काम करता है. वो जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का. और यहां पे हमने यहां पे दिखाया हुआ है ओम्स लॉ. तो ये इसका प्रिंसिपल है.
किसका, कंडक्टोमीट्री का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? तो सिंपली अगर हम बोलें कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस हम बोलेंगे जहां जहां पे भी करंट इजीली फ्लो हो जाए वहां कंडक्टेंस बहुत अच्छा होगा। यानी कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर हम किसी वायर की बात करना है तो उसके एरिया, क्रॉस सेक्शन और लेंथ, इन पर डिपेंड करेगा। यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया बड़ा होगा कंडक्टेंस ज्यादा होगा, एरिया छोटा होगा कंडक्टेंस कम होगा। एंड द लेंथ, लेंथ कम होगी कंडक्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम होगा। तो इस तरह से हम कंडक्टेंस को समझ सकते हैं। तो कंडक्टेंस को आप जी से या सी से शो कर सकते हैं, और जी इज इक्वल टू होता है आई बाय आर। वही चीज जो हमने यहाँ पे करंट के टर्म्स में बताई है वही, यानी जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब अगर इसको एरिया के टर्म्स में आप बताते तो आप बोलते, तो आप बोलते G is equals to, या G is directly proportional to L by A। G is directly proportional to A by L, sorry, A by L। क्योंकि लेंथ ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगा, लेंथ कम होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। एरिया छोटा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, एरिया बड़ा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। इस तरह से हम कंडक्टेंस को दिखा सकते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस के टर्म्स में दिखा दिया और हमने एरिया के टर्म्स में दिखा दिया। अब आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। तो अगर हम इसको लिखे जी इक्वल्स टू के ए बाय एल, तो ये के का मतलब होता है कप्पा, और ये कप्पा जो कहलाता है वो कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये एक तरह का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहां आप इसको क्या लिख सकते हो, K को लिख सकते हो, अगर हम R के बारे में बात कर रहे हैं, 1/R × 1/A। ये भी आप कप्पा के बारे में लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में लिख सकते हैं। फिर आता है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को मोल्स के टर्म्स में बताना पड़ेगा। मोल के टर्म्स में बताने के लिए कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम मोलर कंडक्टेंस को? मोलर कंडक्टेंस का मतलब कि अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल सॉल्यूट डला हुआ है 1000 सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर, जो कि 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में प्रेजेंट है और उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तब डेल इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय सी का मतलब कंडक्टेंस। तो डेल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं उसको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सॉरी, डेल का मतलब क्या हो गया? मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस इस पर डिपेंड कर रही है, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिवाइडेड बाय द कंडक्टेंस सी। अब उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो हम क्या बोल सकते हैं, 1000 K/C। K का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1000 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट।
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, यानी आर इक्वल्स टू वन बाय जी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रो से शो करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रो से शो करते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय ए। या हम इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो वन बाय ए, एंड वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये कुछ टर्मोलॉजीज है जो कि कंडक्टोमेट्रिक में यूज होती है। तो आइए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में एक करंट सोर्स होता है जिसके थ्रू करंट पास किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कहलाता है। दूसरा होता है कंडक्टिविटी सेल। ये जो कंडक्टिविटी सेल होता है ये वाइड माउथेड सेल होता है, यानी बड़ा मुंह होता है इसका, जो जिसमें कि रिएक्शन प्रोसीड करती है, और जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये जो सेल होता है ये डिप टाइप सेल होता है। ये जो कंडक्टिविटी सेल होता है ये पायरेक्स के या क्वार्ट्ज के बने होते हैं, और जो कि दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिए हुए होते हैं। और इस कंडक्टिविटी सेल में वाटर डाला जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इसी वजह से मोलर कंडक्टेंस का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि इस सेल में जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है उसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होता है। आगे हम बात करेंगे टाइट्रेशन की, कि टाइप टाइट्रेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें हम बताएंगे कि टाइट्रेशन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ब्यूरेट के थ्रू इसमें सॉल्यूशन हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का टाइट्रेशन की मेथड है ये कंडक्टिविटी। और इसको स्टेयर किया जाता है मैकेनिकल या फिर मैग्नेटिक स्टेयर के थ्रू। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो प्लेटिनम शीट्स के बने होते हैं, जिसका सरफेस प्लेटिनम ब्लैक के से कोटेड होता है, जो कि पोलराइज्ड इफेक्ट को, जो कि पोलराइज्ड इफेक्ट को अवॉइड करता है और सरफेस एरिया को के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कंडक्टेंस मेजर किया जा सकता है, इसी वजह से इसको कंडक्टोमीटर कहा जाता है। इसके थ्रू हम सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू एल बाय ए। सेल कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का एरिया और उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाता है सेल कांस्टेंट। तो ये है कंडक्टोमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।